रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। I think शायद ऋत्विक को सब कुछ याद आ गया। उसने ये वीडियो देखा। भाई आपको याद है आपकी लाइफ में एक लड़की थी, अरे पाव से गोल्डिगर कहते थे। याद है मुझे, मेरी गर्लफ्रेंड ना, जो मुझे छोड़ के चली गई थी किसी अमीर आदमी के लिए। इस घर में कोई ऐसी चीज है जो हम वक्त पर छोड़ दें? मुझे नहीं, उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है मुझे। अरे कैसे हो भाई, बैठो। मच बैठा के? जी मैं अपने पानी ले आती हूँ। कुछ खाएगा? अदरक वाली चाय ले आओ। बेटर फील कर रहे हो? हाँ मच बैठा हूँ। गुड, ये पानी ले लो। पलक है? जिम गई है ना? पेशेंट को देखने गई है। आ जाओ। हाँ तुझे कोई परेशान नहीं करेगा और तुझे यहाँ पे कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तू चली जाएगी ना? तू पागल है? तुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। अब वो पेशेंट के पास थी ना सुबह? हाँ। और फिर हाँ, उसके बाद पार्लर गई थी, उसके बाद मूवी का प्लान बना था ना उसका। राइट, और फिर जिम भी तो जाएगी ना भाई शाम को। सीतू, तू क्यों रो रही है? हम ना उस रोहित को रुलाएंगे। कितना कुछ किया उसके लिए। लेडीज, मैंने जादू कर दिया, मैंने वो कर दिया है जिसके बिना ये घर घर नहीं कहलाएगा। यानी कि इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक डोमेस्टिक हेल्प का इंतजाम कर दिया है। इंप्रेसिव है ना? दीदी आइए ना, मिलिए इनसे। दीदी आपने अपना नाम क्या बताया था? जी प्रीतो, पहले किचन से स्टार्ट करते हैं। जीरा किचन। मिस्टर विक्रांत, आप राशन का सामान लाना जानते हैं? नहीं, हम ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं। ठीक है। तू क्यों मुंह उतार के खड़ा है? शनाया के जाने का दुख है, जा कुछ काम कर ले। Thanks, Mom. ठीक है। इलायची वाली चाय बोली थी आपने? क्या? इलायची वाली चाय बोली थी आपने? कभी तो ऊंचा पूछ ले, क्या कहा था मैंने? इलायची वाली चाय बोली थी। इलायची वाली चाय बोली थी मैंने। बना दो। हाँ। आप भी लाएं। ले ले कॉफी। थैंक्स। तुझे याद है एग्जाम टाइम पे हम लोग रोज कॉफी पीते थे, रात भर पढ़ते थे। वही दिन अच्छे थे यार। हमें खाना नहीं खाना है। हाँ। भूख नहीं है हमें। अरे क्यों नहीं खाना है? आप लोग अच्छे बच्चे नहीं हो? नहीं है। तो ऐसा करते हैं, आज पिज्जा खाते हैं, है ना? सुनो, तुम बच्चों को पिज्जा खाने लेके चले जाओगे, तब तक मैं सीतू से बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ कि वो बच्चों के सामने ऐसे लो ना रहे। ठीक है। Thank you.
बालक की फैमिली और उसकी दुनिया परफेक्ट है। जस्ट लाइक दीज पिक्चर्स, हर इंपॉर्टेंट लम्हे को कैप्चर किया है। ये प्यार बस यही तो चाहिए टू फील अलाइव। इन परफेक्ट पिक्चर्स को हमेशा परफेक्ट ही रहना होगा। इन सबके बीच मेरी कोई जगह नहीं है। शायद ऐसा प्यार सबके नसीब में नहीं लिखा होता। सेतु, सेतु कहाँ है? तू क्या कर रही है? I want a divorce. तू एक बार सोच ले। उसने सोचा था before he cheated on me. Did he think? देख सेतु, मैं रोहित की साइड बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, पर वो गिल्टी है। उसने बहुत कुछ किया, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज की। आई एम नॉट सेइंग कि तुझे उसके पास वापस आना चाहिए, बट तू उससे दूर रह के उसे चीज़ें रियलाइज करवा सकती है ना। लेट हिम रिपेंट, लेट हिम कम बैक एज अ डिफरेंट पर्सन। आई डोंट वांट हिम टू कम बैक। इट्स डन। चल तो सही। ये देख। क्या ये वीडियो? I screwed up last night. I cheated on my wife. ये क्या कर रहे? ओए, मिस ये असली की बात नहीं है, समझा? तो रोक नहीं सकता था क्या? ये तो नशे में क्या कर रही है? तो प्रॉब्लम ये है ना, रोहित ना जब भी नशे में होता है ना हमेशा सच बोल देता है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी नहीं है, वीकनेस है। ब्लाउजेस हो गए तुम्हारे ठीक हो के आ गए? हाँ माँ। क्या हुआ, सबके मुंह क्यों उतरे हुए? मम्मी मेरी सुनते नहीं हो ना, मैंने आपको बोला था कि रोहित ने दिखा दिखा। हाँ बिल्कुल नहीं मानते हो मेरी। दुर्भट्टे मुंह। सिर्फ ऐसा नहीं करते यार, बच्चों के बारे में भी तो सोच। उसने सोचा था बच्चों के बारे में? तो मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों के लिए साथ रहो, और मैं जानती हूँ कि अपनी खुशी सैक्रिफाइस करना आसान नहीं होता, बट यू कैन गिव दिस रिलेशनशिप सम टाइम, राइट? उसके बाद जो तू डिसीजन लेगी, आई एम विद यू, बट थोड़ा टाइम। ये चिट्ठी उसके मुंह पे मार देना, टेल हिम आई विल सी हिम इन कोर्ट। रोहित, सेतु, एनी, टाइम क्या हुआ? बाक, मैंने चूतिया चार्जर पेंच। यार इतना रात हो गया है, सेतु और बच्चे नहीं आए। पता है तुझे कहाँ गए? तूने सेतु को चीट किया है? घर में एंगेजमेंट की इतनी तैयारी चल रही थी और मैं घर पे नहीं थी, बट मैं अब आ गई हूँ, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगी। भाभी आप थे कहाँ पर? आपको तो इतना तक नहीं पता कि भाई हॉस्पिटलाइज थे। क्या हुआ उसको, वो ठीक है? भाभी भाई को सब कुछ याद आ गया, उन्हें ये तक याद आ गया कि उन्होंने पास से आपके लिए लड़ाई की थी। भाई ऊपर जिया दिया के रूम में।
पालक का लेटर। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए अपनों से दूर हुई। इतने सालों में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अब मुझे तुम्हारे नाम से नफरत होती। मैं बेवकूफ थी जो मैंने इतने साल तुम पे जाया किए। मां बनना आसान नहीं होता, शायद तुम कभी नहीं समझोगे। इन बच्चों ने हमारे रिश्ते को पूरा कर दिया, लेकिन इस रिश्ते में मैं ही चली गई। तुम हमेशा एक गैर जिम्मेदार मेहमान ही रहे, बेफिकर बेखबर। मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत सैक्रिफाइस किए, लेकिन अब और नहीं। मैं जा रही हूं अपनी जिंदगी जीने के लिए तुमसे दूर। भाभी स्लो डाउन। अरे शिवम, ऋत्विक कहाँ? यहाँ पे नहीं है वो। भाभी आई गेस वो बाहर होंगे या फिर ऊपर, देख ले एक बार। लेट्स गो ना। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मॉम, शिवम ने बताया ऋत्विक को सब कुछ याद आ गया है। वो क्या हुआ? मॉम, मुझे शिवम ने बताया ऋत्विक को सब याद आ गया। मॉम क्या हुआ? ऋत्विक को कुछ याद नहीं आया, वेग सी मेमोरी आई उसे कि वो अपने पापा से एक लड़की के लिए लड़ा, लेकिन वो लड़की कौन थी, उसका नाम क्या है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। आपने बताया उसे वो मैं हूं? नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम उसे फोर्स करेंगे सोचने के लिए तो आई नो दैट विल बी बैड। आई नो आई नो आई नो। तुम क्या कर रहे हो शिवम? क्या कर रहे हो तुम? क्यों उस बच्चे की उम्मीदें जगा रहे हो? क्यों दुख पहुंचा रहे हो उसे? पलक, एक सेकंड रुको।
मैंने आइस पैक लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। हेलो भाई, किधर है यार तू? क्या हुआ सितू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है?